seeing that the people of Egypt should be against it. Get me a glass of water as well. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज असफा बैच 2021 के साथ जो है उसके इंट्रोडक्शन के साथ हाजिर हूँ। और हमारे वेबिनार का पूरा जो मकसद है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है अबाउट आवर न्यू प्रोग्राम असफा, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक 19 बैच जो है वो पास आउट हो चुके हैं इस कोर्स को करने के बाद। मेरे साथ आज पैनल में हमारे शेख मोहतरम शेख आतिफ साहब मौजूद हैं और मेरे साथ उस्ताद वकील जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ के तो मोहताज नहीं है मजीद, मैं बात करना चाहूंगा असफा प्रोग्राम के हवाले से, जो हमारा दर्स निजामी बोले आप या फिर आप बोले कि शरिया के उलूम के वो कोर्सेज जो कि मदारिस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जिससे कुरान हदीस हल किया जाता है, उसका फहम हासिल किया जाता है, उन उसूलों को सीख कर उनके इंतबाक के साथ जो है वो फतावे और वगैरह चीजें जो है वो होती हैं। तो इंशाल्लाह उस सिलसिले में हमारा जो कोर्स है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। सबसे पहले शेख कैसे हाल? ठीक है मैम, आवाम आपको काफी दिनों बाद सुन रही है और देख रही है, तो अच्छा ये बताएं कि असफा प्रोग्राम जो है वो हमारा मिद्रार इंस्टीट्यूट का सबसे पहला प्रोग्राम है। मैं होस्ट बनता हूं और आप दोनों जो है ना मेरे गेस्ट बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ज़हमत आपको नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम आपसे वो सीखेंगे जो आवाम सीखना चाहती है। असफा प्रोग्राम जो है हमारा वो पहला कोर्स था जो मिद्रार इंस्टीट्यूट के बनने के बाद हमने लॉन्च किया था। उस्ताद वकी 2013 के अंदर हमने ये जो है ना इसका पहला बैच जो है वो टेक लिया था और रिसर्च और उसका जो इंडिविजुअली शेख साहब ने उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था लोगों को पढ़ा के, मैं भी उनमें से हूँ और शागिर्द भी हैं। तो ये कोर्स तो इसके इसकी पूरी साइंस जो तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जो है वो 2013 से जो पहले का जो पूरे जो बहुत लोगों पे वो एक्सपेरिमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा, लोगों ने इसको बड़ा सराहा, तो हमने इसको एज अ ब्रांड एज अ कोर्स जो है वो अवाम उन्नास के लिए जो है इसको लॉन्च किया। मेरे ख्याल से मैं तो कहूंगा हम इंडिविजुअली सारी कर रहे थे, मैं अपने लिहाज से कर रहा था, जब यू वर टीचिंग हम बहुत पहले से कर रहे थे, दैट इज वे फ्रॉम 2008 आई गेस, लेकिन हम इस तरफ आ रहे थे कि इसको कंसाइज करना चाहिए। And you continue, yeah. असल में हम पहले उसकी बात करेंगे शेख, इसकी सोच क्या थी इसके पीछे जो आपने ये पूरा दर्स निजामी जो मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है, इसकी एक एक इस जनरेशन के लोगों के अंदर यूथ खास तौर पे उनकी तरफ लेके आना कि वो अगर मदारिस नहीं जाते या फिर वो इस एजुकेशन से जो है वो महरूम है तो उनको जो है इस तरफ लाया जाए, ये सोच किस तरह डेवेलप हुई और किस तरह आपने असफा का जो है वो कदम उठाया और अवामुन नास को आपने किस तरह जो है वो कन्विंस किया कि वो इसको इनिशिएट करें और इसको इसके लिए इसके सफर के लिए जो आवाज़। अगर मैं सवाल करूं आप कैसे कन्विंस हो गए कि होना चाहिए, वो तो इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं आपने किस सोच के साथ ये। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वेंट टू द मदरसा और जब मैं ये पढ़ने गया था तो हमें तो माशाल्लाह बड़े अच्छे असातिज़ा मिले एंड जो भी उलूम वहां पढ़ाए जाते थे एक आलिम की एक बेस जो होती है क्रिएट करने की, लेकिन मैं उस टाइम पर ये अनलॉक कर चुका था और कर रहा था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत वक्त जो बाहर भी गुजारा हुआ है तो जो एक मेथड ऑफ एजुकेशन है ना उसमें मुझे फर्क लगा, तो मैं वहीं पर ये ग्रैस्प कर चुका था कि चले ठीक है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बैठा हूँ, अपने आप को ट्यून डाउन कर रहा हूँ एनवायरमेंट के मुताबिक,
लेकिन अगर आप एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्से को केटर करना चाहते हैं तो आपको उनकी नीड्स को देखना पड़ेगा। सही है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा, उन्हें क्या समझ आता है। कि अब एक बात है वो मेरे ख्याल से बकी को जिस तरह समझ में आती थी वो तुम्हें उस तरह से नहीं आती, उसे मुख्तलिफ तरीके से समझाना होता था। तो सेम गोज विद मी, सो आई वाज एक्चुअली फीलिंग द अर्ज के पहले तो मैंने इस बात को माना कि भाई ये बॉस है, ठीक है, ये तो मतलब जैसे मैंने 4-6 महीने वाओ फैक्टर जो है वो आ गया। वाओ फैक्टर तो द मोमेंट आई वेंट टू उस्ताद जी लखवी साहब ओवर देयर, तो वो मैं फिगर आउट कर गया था कि भाई ये तो ये कई गुल्लू है। और मदारिस के जितने भी लोग अभी सुन भी रहे होंगे या जो जुड़े हुए भी हैं, तो हमारा हमेशा से मैसेज ये रहा है कि हमने इसकी सुप्रीमेसी को हमेशा माना है कि इसके आगे कोई और इल्म नहीं। सही है, लेकिन हमारा वही फैक्टर आ गया कि भाई इसकी जो इसको जिस तरह से फैलाना है और इसको जिस तरह से एंगेज कराना है इसके साथ, उसमें मुझे एक इसका जो कंटेंट है कोर्स का वो एक्सीलेंट है। उसमें सबसे ज्यादा जो कि लोग यहाँ पे नए हैं जो नहीं जानते, देखिए जी मदारिस के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते हैं दरस निजामी के अंदर, जिससे एक बंदा आलम के दर्जे तक फायज होता है, उसके अंदर तफसीर है कुरान की, हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसूल है फिका को समझने के, तफसीर को समझने के, हदीस को समझने के, अरबी ग्रामर है और बलागत वगैरह और बहुत बहुत से उलूम है। आपको सबसे ज्यादा किस इल्म में इंस्पायर किया? ये वाओ फैक्टर लाने के लिए यार ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, मेरे ख्याल से जो वाओ फैक्टर से बड़ी बात है ना, वो ये है कि जिस तरीके से मदारिस में उलमा एक नुक्ते को बयान कर रहे होते हैं ना, वो बहुत बड़ा वाओ फैक्टर था। मतलब द वे ऑफ डिवेलपिंग इन टू द डेप्थ ऑफ अ कॉन्सेप्ट, चाहे वो दीन से ताल्लुक रखता हो, इंसान से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट जिस तरह वो खोलते हैं ना, फी अरबात मसाइल, इसमें चार मसले हैं, हाँ। चार मसलों के अंदर 16 और मसले निकल रहे हैं, या वो हो या किसी जो थॉट जो निकालते थे ना, एक्सट्रैक्ट करते थे। मुझे ये चीज फील हुई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलुगुल मराम की पहली हदीस है ना, इन मातहूर नहीं, वो ये तो चौथी तीसरी चौथी हदीस है वो नहीं है कि वो पूछा उन्होंने आके के क्या मैं था, ये पानी की तरह वुजू किया था, तो उसके अंदर जो उन्होंने नुक्ता बयान किया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने सवाल किया कि क्या हम समंदर के पानी से वुजू कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो तो वुजू का ये दिया मगर खुराक का भी दे दिया, खुराक का वो भी नेसेसिटी थी। अब हालांकि इससे जब हमारे शेख ने हमें समझाया, हमारे उस्ताद ने, कि भाई अल्लाह के नबी एज अ टीचर एंड एज अ सिस्टम बिल्डर लोगों की नीड से पहले जानते थे कि ये उनकी आगे भी हो सकती है, उनका फोरकास्टेड उनका जो एलिमेंट लोगों की नीड्स को एंटिसिपेट कर लेना और उसके मुताबिक उनको एड्रेस करना। आई वाज सो शॉक्ड कि वाओ, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट था ना, वो बिल्कुल एक टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं था। सही है, वो एक बात था कि स्पिरिचुअल है और हम जो है जब सब कुछ खत्म करके अल्लाह की तरफ जाने, तो उधर टेक्निकल एस्पेक्ट ना यार, शरीयत के अंदर एक मैच, बस दीन है तो बस आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी और चले जाओ, मतलब कि दुनिया में किस तरह रहना है सारी टेक्निकल बाद में आया। लेकिन जो चीज मुझे पहली अट्रैक्ट हुई ना कि यार ये कोई अल्लाह की बात के अंदर ना एक ऐसे मैथमेटिकल डायमेंशन भी है कुछ ऐसी, तो वो तफक्कुर जो है ना, मेरे ख्याल से रूह की प्यास तफक्कुर होती है, वो जो तफक्कुर निकालते थे ना उलमा, लोगों के पास क्यों नहीं है। मैं तो चलो मदरसे सारा, क्योंकि जो लोग मदारिस जाते हैं उनको बिल्कुल जो है वो कमतर ना जाना जाए, वो अपना कारोबार सब कुछ, अपनी फैमिली, अपनी एलोयाल, अपने फ्रेंड, सोशल सर्कल सब कुछ कुर्बान करके 8 साल मदरसे के अंदर जाके लगाते हैं। तो इसका अब ये हर बंदा नहीं कर सकता, आप शायद बिजनेस ना छोड़ सकते हो, शायद फैमिली को आप जो है कॉम्प्रोमाइज ना कर सकते हो, शायद जो है आप अपनी दूसरी कंजर्वेटिव या जो है अभी जो एजुकेशन है उसको आप कुर्बान ना कर सकते हो। तो एक ये नीड कि यार मैं क्या ऐसा हल निकालू, मैं क्या करूं कि वही जो मैं मदारिस में पढ़ के आ रहा हूं, जो मजा मुझे मेरी रूह को तस्कीन मदरसे में जाके वो उलूम उलूम शरिया पढ़ने से मिल रही है, मैं अपनी आवाम तक, अपने लोगों तक, अपने घराने तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने सोशल सर्कल तक मैं कैसे लेके जाऊं। ये वो बेसिक एलिमेंट था जिसने आपको जो है वो इस कोर्स को फॉर्मेट किया। इसके साथ और भी चीजें और बताएं, मैं आप सुनना चाहती हूँ। इसमें जो एक और एलिमेंट है जो मैंने बहुत अर्ली मैंने इसमें देखा वो ये था कि टाइम बहुत मैटर करता था, मदारिस का एक स्पेसिफिक टाइम था। सही है, सुबह 8 बजे की क्लास लगनी है, 7:30 लगनी है,
और क्या जोर से पहले जो है ना वो टाइम उनका खत्म हो जाता है। तो कि भाई आप आवाज तो वो जो मदारिस का जो टाइम का एक बहुत बड़ा इशू था, सुबह 7:30-8 बजे जो है ना क्लास उनकी लगनी है, उसके बाद जोर से पहले जो है ना उनका वो सारा जो सेटअप है वो क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद एक जायज वाला यही वो टाइम है, एक बिजनेस करने वाला बिजनेस के लिए निकल रहा है, एक जॉब करने वाला जॉब के लिए निकल रहा है, और एक इंसान अगर अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन परसू कर रहा है तो इसी टाइम को जो है उसने लेना है। तो अब एक वक्त में बंदा एक काम कर सकता है, या तो वो मदरसे में जाएगा या फिर वो अपनी जॉब करेगा बिजनेस करेगा। तो सफवा जो था, जो जिस तरह मैंने इसको बिल्कुल शुरू से ये सफवा से पहले से भी जो हमारा जो फेलियर सब चीजें रही है, तो ये चीज जो है बड़ा एक एलिमेंट था जिसकी वजह से जो इल्म था दर्स निजामी का उलूम शरिया जो वो सोसाइटी के अंदर उस तरह से ये भी बात की बात है जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो बात थी ना। एक मेरा नया समझता हूँ कि जो लोगों तक फैलाना सिस्टम को मिले ये बात की बात है। जो मेरा स्टार्टिंग ट्रिगर था ना, एक तो ये वाव फैक्टर था, ये तो टाइम फैक्टर था, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में आ जाएगा ना कि हमने करना है कैसे। मैं तो रूट की बात कर रहा हूँ कि रूट में एक ये था कि पहले तो वो वाव फैक्टर था कि वाव दिस इज अमेजिंग। दूसरा फैक्टर ये था कि मुझे भी उस वक्त भी फील आया कि इसकी सॉवरेंटी और सुप्रीमेसी क्यों नहीं है। बड़ी बात, ये मुझे सेकेंड फीलिंग आ गई थी जब मैं पढ़ने गया वहां पर कि यार अल्लाह जो ये चीज है, ये सिस्टम है और जो हमारा दर्स निजामी है और जो ये किंग ऑफ ऑल लूम्स है, इसकी सुप्रीमेसी क्यों नहीं है सिस्टम में। लोग इसको वहां रखें जहां इसकी बदा होनी चाहिए। पर हम जिन स्कूलों से पढ़े या बाहर भी गए या जो भी माइंड था, अगर पढ़ने में अच्छे थे या नहीं थे, मगर माइंड के अंदर वो बैठा हुआ था भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी और ये यूके अमेरिका कनाडा की यूनिवर्सिटियों का ये भाई वहां से कोई बैचलर। हमारे जहन में भी कोई ख्याल नहीं था कि यार ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है और करती है तो इसमें कोई एक डिग्री होनी चाहिए या बैचलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या व्हाट्सएवर। यानी आपने एक सोने की खान जो है वो डिस्कवर की, आप कह रहे लोग आके नहीं रहे सोना निकालने के। नहीं, एक तो है कि आ नहीं रहे और दूसरा कि वो सोना मान ही नहीं रहे उसको। अच्छा, सोना ही मानते हो कि वो मानते नहीं है। हम इधर उधर चले। यू हैव टू चैलेंजेस कि पहला ये कि उसकी उसकी डिस्कवरी के अंदर लोगों को रिकॉग्नाइज करवाना कि भाई देखे उसकी रिकॉग्निशन कि भाई ये कुछ है। हाँ। और दूसरा ये उसकी प्रेजेंटेशन इसके मुताबिक करना कि लोग बोले है तो लेकिन फीजिबल नहीं है। नहीं, इसकी मिसाल आप यूं ले लेना, अगर अगर एक एक डीन का उस्ताद या एक शरी उस्ताद जो है वो कुरान और हदीस की डेप्थ में जाके एक साइकोलॉजी का मसला सॉल्व करते वो चुप जाएगा लोगों। ठीक है, और उसको नाम भी नहीं देना, उसको वो इज्जत भी नहीं देनी, वो मकाम भी नहीं देना और उसकी हिम्मत भी नहीं करनी किसी और लिहाज। एक साइकेट्रिस्ट भी लोग जाके कर ले तो उस पे जाके हम उन्हें पैरों में पड़ जाते हैं जाके अपनी साइकोलॉजी। सोसाइटी का था, बिलोंग करता था, आई बिलोंग टू दैट सोसाइटी जहां हम मरूब थे। सही है, हमारी सोसाइटी मरूब है। एक क्वेश्चन था उस जमाने के अंदर जो मुझे अभी याद है कि क्या कुरान इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि इस जगह के ऊपर हमें ब्रिज बनाने नहीं पड़ता। ये एक बड़ा उस जमाने में एक सवाल था जो शायद आप किया करते थे यही बात समझाने के लिए कि क्या इस जगह ब्रिज बनाना नहीं बनाना, क्या कुरान हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब जो कुरान को और इस्लाम को जो हमने समझा था वो एक सवाब का एस्पेक्ट और जो है ना वो हमने समझा नहीं, मतलब जो हम एक्सेप्ट कर लिया समझे तो हमारी छोटी सी बात बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये वाला एलिमेंट के मतलब एक जगह ब्रिज बनाना है उसकी एक्सटर्नलिटीज को कैलकुलेट कर प्लान कर सकते हैं। वो सवाल के ऊपर जो हमारी असल थी ना वो एक तो ये था कि भाई एक मैं चाहता था इसकी सुप्रीमेसी करो और ऑलरेडी सारे लोग चाहते हैं। सेकंड मैं ये समझता था कि ये नायाब चीज, ये एक डिवाइन लॉ है। और तीसरा मैं ये मानता था, तीसरा मुझे फील थी कि जो है ना इस तीसरा एलिमेंट पे था कि ये जाना चाहिए यानी इसकी कीमत अच्छी लगनी चाहिए। इसकी मतलब पीपल शुड वैल्यू के ये मतलब हमने देखा है ना यहाँ पर एक गोरा आगे कोई बात कर जाए तो ठीक है जी उसके आप वाह कर देते हैं, पैसे भी देते हैं टिका के। सही चीज सही है। वही नुकता एक एक इल्म के मैदान का शह सवाल क्या किसी भी मसलक से उसका था। सही है, फिर रिस्पेक्टिव उस टाइप पर तो हमें ये मसलक फिरकों की जंग से कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो बहरहाल वो जब भी हो बहरहाल डिफरेंस अपनी जगह अपने एकेडमिक डिफरेंस अपनी जगह, लड़ाई लड़ाई का मुकाम नहीं है मुल्क के अंदर ही हालात खराब करने वाला। लेकिन मैं ये कहता था कि भाई चाहे वो कितनी मत अगर वो एक अरबी ग्रामर से नुकता निकालता है, वो इस्तदलाल करता है, वो एक जजेस के अंदर से जुरिसप्रूडेंस करता है, अपनी स्ट्रैक्ट करता है, डेरिवेटिव निकालता है और वो एक ब्याज बयान करता है तो मतलब हैरत की बात है। कोई बायर नहीं है, कोई कीमत नहीं। बायर कीमत तो बहुत है लेकिन मसला है कि बायस की थे। तो मैं वो चाहता था बायस, दिस वॉज माई आंसर टू द स्टार्टिंग पॉइंट
कि जब मैंने कहा कि भाई हालांकि मुझे भी इस वक्त ज्यादा नहीं आता था, लेकिन मेरे दिल में ये बात आ गई थी कि यार मैं स्टील को जो है ना लेके जरूर आऊंगा सामने। दैट वॉज माई स्टार्टिंग पॉइंट। आगे फिर उसके कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्या क्या चाहिए? नहीं, उसके लिए मैं क्या करता कि जब मैं पढ़ ही रहा था तो उसी वक्त ना मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने आज एक सबक पढ़ा, मैंने जाके वही उसी तरह जो बकी था। ठीक है, और तुम लोग तो बात किए थे उससे पहले के भी बैचेस थे, कुछ लोग थे। सही, मैं पहले लड़के जमा करता, उन्हें बताता वही पहले तो उनकी पहले तो उनकी गर्लफ्रेंडों के इशू उनके और मसाए पकड़ते फलान करते, फिर उसका मेरा माइंड सेट सेट होता, फिर आप उसे बताते हैं कि बेटा मैं ये तो लॉ नहीं कर रही, फर्क नहीं होते। अल्लाह ताला किसी से खैर का इरादा करता तो उसे दीन की फेंक देता है, डीपर डेप्थ देता है उसको। ये शेख साहब ने बात की है, ये बड़ी अमीक और बड़ी गहरी बात करती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको आसान करके हमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब नौजवान तबका जो है वो दीन की तरफ आने का सोचता है ना, तो उसके बड़े मसाइल होते हैं, उसके जो है वो रिलेशनशिप के मसले होते हैं। और दूसरा, हमारे दौर के अंदर जब भी नौजवानों के मसले के बारे में बात आएगी ना, एडिक्शन जरूर आएगा, फला चीज की एडिक्शन है, फला ड्रग एडिक्शन है, ये है वो है। शेख साहब उससे बढ़कर सोच रहे थे कि भाई वो एडिक्शन वगैरह तो छूट जाना है एक दिन, लेकिन उसको जो असल ट्रैक देना है, जो उसको असल रिसोर्स देना है, जो उसको असल पावर मिलनी है, जो बेस देनी है, जो हमें बचपन से मिलनी चाहिए थी। मैं ऐसा एक बात नहीं करता भाई, आप हैं जितने भी दावत तबलीग के लोग बैठे गए जी लड़के को जाके आपने आपने टेक कर दिया, टैप डाउन करके आपने उसको साजिश कर दिया। बॉय ने देखा भाई के बाद में दम आ रही है, किसी बहन ने सोचा होगा दावत का कोई किसी का दर सुना लेक्चर सुना जैसा उन अगे की करना व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। तो महज आपने किसी की साइकोलॉजी को अगर छेड़ा है और उसकी नफसियात को अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो वो एक पूरा प्रोसेस है एक इंसान को लेके जाने का। तो ठीक है, आप 7-8 महीने तक तो मेरी नजर में आप दोनों मार्शल आप उसे हीटेड डिबेट्स और गर्म तकरीरें सुना के तो आप उसे ऑन कर सकते। आगे क्या होगा, एक टाइम पर उसकी रूह जो है वो सिर्फ इससे नहीं चलेगी, इम्यून हो जाएगा, इम्यून होगा या उसे मजीद पावरफुल ही नीड इंटेलेक्चुअल डेप्थ जो हर प्रोसेस युद्ध की अगर चलेगा तो तालीम जो इल्म है, जो डेप्थ है, जो उसूल है, जो कवायद वो आने थे। और उस पर मेरे ख्याल से वकील व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड स्टफ आई थिंक देयर वाज एट दैट टाइम नथिंग अवेलेबल। और मैं इस बात को समझता हूँ कि वो जो दौर थे आज से निकाल में अगर 12-13 साल पहले की, तो उस वक्त जाहिद बनाने के ऊपर तो बहुत सारे मैकेनिज्म थे कि एक इंसान को जाहिद बनाना है, मतलब वो इबादत गुजार बनाना है, उसको अल्लाह से करीब करना है, लेकिन उस जाहिद को आलिम बनाना है उस वक्त जो है ना ये थॉट बिल्कुल भी नहीं थी सोसाइटी में। थी ऐसी भी बात, मतलब लोग बैठे हुए थे जो जो जिस पे हम बिलोंग करते हैं उसके अंदर हमें अच्छी बात करनी चाहिए, कुछ सोच थी यहाँ पर मेरे ख्याल से, और काम कर रहे थे वहां पर कुछ लोग, और जामत और रशीद जो है वो इस सोच के ऊपर काम कर रहा था मेरे ख्याल से कि वो इंटेलेक्ट को पकड़ के उनको करने हिसाब किताब था। लेकिन हम भी ये चाहते थे कि भाई सिस्टम में मजीद डेवलपमेंट हो जिसके तहत, मतलब आप 200 बच्चे आपने केटर कर लिए उसके बाद आपकी एक स्लॉट फुल भी हो जाती है, तो 3 करोड़ का शहर है। अब तो हम ऑनलाइन इसलिए भी आए कि भाई नाउ वी हैव एक्सपीरियंस 10 ईयर्स इन कराची राइट नाउ एंड नाउ इट वॉज टाइम कि हम अपने पैकेज को लेकर बात की बात। उस टाइम पर ये वाला एलिमेंट आया सामने कि भाई अब तो हम पढ़ाते 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 ना वो हमने खुद जो है ना वो कहते हैं ना कि मुश्किल किस्म के शागिर्दों के अंदर जो ना मुख्तलिफ मेथड्स मैंने डिवाइस करना शुरू कर दिया उसको समझाने के लिए। सही, उसको समझाने के लिए। हालांकि अब आप तो आप लोग ही सारा रन कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने उस वक्त के अंदर जो मुझे ठीक लगा तुझे समझाने के लिए मैंने बात को ट्विस्ट कुछ करके नुक्ता समझा दिया। ठीक है, वो बाद में आगे उसने मेथड बनना था, वो जनरल में आना था, वो स्लॉट बन जाए, वो एक बात की बात थी। दैट हाउ आई स्टार्टेड लाइक आई स्टार्टेड इल्म नाब इल्म सर विद वकील। तो ये तो वो चितावली साहब का जो था सही वो एक रटे थे, वो भी थे, मैं उसको नहीं डिनाई करता, बाबू साहब होना चाहिए था, बट माई हैड डिफरेंट मेथड ऑफ टेलिंग हिम कि भाई इसको यूं खोलने की कोशिश कर, हो सकता है बैठ। अब जैसे जना फाला यफ अलू वगैरह जितने भी सारे थे मैं अपने अपने मेथड डिवाइस करता, हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि सिस्टम में कोई और चीज मौजूद है जिसमें तफसील कंसिजन कहीं हो सकता है। सो आई वॉज ट्राइंग एट दैट टाइम, यू पीपल वर माई एग्जिबिट एंड मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, लेकिन फ्रेमवर्क नहीं था कि हम ये कर जाएंगे जो माशाल्लाह भी हम दस्तावेज में। अच्छा, जो शेख साहब ने भी बात की कि सोच की कि सफर प्रोग्राम की,
उसको अगर एक आयत में हम जो है वो समझ सके, मैं चाहूंगा कि आप भी उसकी तशरीह करें कि यूजर की हिम और किताब वलिमा, कि अल्लाह जब नबियों को भेजता था तो नबियों के तीन काम होते थे कि पहला उनका तज़किया नफ्स करना, उसके बाद उनको इल्म सिखाना और उसके बाद हिकमत सिखाना। तो असफ़ा प्रोग्राम जो है वो इन तीनों चीजों को किस तरह केटर करता है आपके हिसाब से, किस तरह एक दावती पहलू भी है इसके अंदर, इसके अंदर एक इल्मी पहलू भी है और फिर हिकमत जो है उसकी एप्लीकेशन वो भी है। सफा का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है ना, देखिए हमने अपने स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क से लेदर की वर्कशॉप, हमारी स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क का ताल्लुक जो है सफा से है। बीच में एक उस्ताद स्पिरिचुअल मूड में आ जाए वो एक और बात है, चाहे वो फिक्की बात चल रही हो, चाहे वो नमाज हो रही हो, सलात के ऊपर दर्स हो, वुजू के अकाम पे हो, फराइज पर हो, बात हो, लेकिन उसको कहीं पर भी स्प्रिचुअल तो चलता रहेगा ना। तस्किया एक सिलेबस एक और चीज होती है और पूरे फ्रेमवर्क के माइक्रोस के अंदर कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। सही है, प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट गोज ऑल अराउंड इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ द दीन। सही, ठीक है, वो कभी भी आ सकता है। वो एक नुक्ता आया तफसीर के अंदर आपके शेख को जो है कोई पॉइंट आ गया वहां पर, कोई नुक्ता आ गया वहां पर, कोई नुक्ता आ गया वहां पर, तो वो वहां पर खींच सकता है। तो अंदर जो है वो स्पिरिचुअल डोमेन चलती रहेगी, लेकिन हमारा होल सोल ऑब्जेक्टिव जो सफा का था वो ये था कि हम उन लोगों को जिनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है एकेडमिक्स के अंदर, एक तो उनको केटर करें। सेकंड, जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं जो बहुत अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, जो अपनी फील्ड के गुड एलिमेंट है और उनके पास कुरान और हदीस से नस कोट करने का पावर नहीं है, तो उनको एक एलिमेंट मिल जाए। तीसरा, सिस्टम में इस चीज को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है कि भाईजान अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ वही 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 वही, तो हमारा भी तो कुछ है ना, इन्होंने भी तो कुछ किया, इनकी सॉवरेंटी मनवाना बहुत जरूरी है कि भाई ये भी एकेडमिक्स हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दीज बिग गन्स। फिर हमारा इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम शरीयत का टेक्निकल एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा हमें हेल्प किया जा रहा है कि इस्लाम रैशनैलिटी को केटर नहीं कर रहा। आई थिंक सफा वॉज ऑल अबाउट प्रूविंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ आर दीन, कि हमारा दीन हकीकत पे खड़ा है और जो इसके अंदर जो जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी प्रोफंडिटी है, वो मेरे ख्याल से जो है वो ऐसी नहीं है कि हवाइयां हैं। अगर 2.5% ज़कात है तो ऐसे नहीं रख दिया अल्लाह ने 2.5%, बल्कि अगर उसको तो वहां पढ़ाया जाता है हमारे इब्ने रुश्द को, इब्ने रुश्द को पढ़ाया जाता है जो बड़े फकीर भी थे, अवैरस के नाम से ग्रीक के अंदर लेटर। ये तो एलिमेंट था कि ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि वो लोग जो सिस्टम में भाई 1.5-2 साल से आ चुके हुए हैं, चेंज भी हो गए, एक तो उसको इसकी भूख यहां से कीटर की जाए। तीसरा, हम ये नहीं कहते आलिम बने ना बने, मगर कम से कम अलीमन के तहत एक लेवल तो रहेगा ना सिस्टम में हर किसी का। वो देखे एक बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एच आर डिपार्टमेंट के अंदर, उसको उसके मतलब के उसूल पता चलने चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एच आर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या उसूल दिए, वो उसको सफा से मिल सकते हैं। अगर वो उन अगर नहीं अगर वो ना भी केटर हो तो उसकी कम से कम एक हम कम से कम इससे एक फ्रेमवर्क का बेस तो खोल देंगे ना। एजुकेशन तो बिल्कुल ही जमाने लंबा, लेकिन एक आदमी का कुंडी नहीं खुली थी कि भाई अल्लाह की नाजिल करता शरीयत के अंदर पूरी दुनिया को चलाने के लिटरली ऑन ग्राउंड उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैक्रोस हैं, माइक्रोस हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसकी डेप्थ है, उसकी एप्लीकेशन है। हम उसको कहते तो हैं, हम उसको कहते तो हैं कि इस्लाम आना चाहिए, इस्लाम का निजाम आना चाहिए। आप लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि वो क्या चीज आनी चाहिए? ठीक, दैट्स माय क्वेश्चन, कि आपका नारा बुरा नहीं है इस्लाम आना चाहिए, इस्लाम आना चाहिए। लोग सर्टेनिटी के लेवल पर अपना आप तब जिएंगे जब वो भरोसा करेंगे। ठीक है, तो वो एतमाद जो है वो सफा देगा उनको, एतमाद पढ़ के आएगा। आपको नहीं आया? बिल्कुल आया। आपने लोगों के साथ बातें नहीं की, आपने डायलॉग डिबेट्स नहीं किए, आपको एतमाद नहीं आया कि मेरे और जब मेरे पास दलील है, मेरे पास रैशनैलिटी है, तो मैं क्यों घबराऊंगा दुनिया के लिए? अच्छा, जो लोग आप में से रजिस्टर करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए वो यस लिख दें कमेंट्स के अंदर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको जो है वो इंशाल्लाह टच कर लेंगे, आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और किसी ने सवाल किया है कि क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब है ये कोर्स, के वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव टाइमिंग्स में है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक इसकी क्लासेस होती है, हफ्ते में 3 दिन सिर्फ, और 5 hours a week आपने देने हैं with no homeworks and with your all life continued. You're the boss. कोई मसले की बात नहीं, आपकी पूरी जिंदगी चलते रहेगी, सिर्फ आपने हफ्ते के 5 घंटे देने,
इट विल बी अ फोर मंथ सेमेस्टर जिसमें इंशाल्लाह आपके वीकेंड्स की जो है वो शाम इंशाल्लाह इसके अंदर लगेगी। आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें, जॉब कंटिन्यू रखें, बिजनेस कंटिन्यू रखें, अगर फैमिली का मसला है फैमिली को भी स्पोर्ट्स में ले आए, ऑनलाइन है कोई मसले की बात नहीं है। और उसके बाद अच्छा जी शेख साहब आपके लिए बहुत सारे जो है माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट्स हैं, बहुत लोग आपको सलाम दे रहे हैं, बहुत लोग भाई दे रहे हैं। उसका जो एग्जीक्यूटिव एलिमेंट है क्या उसको डिस्कस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। नहीं, अब हम उस पर आ जाते हैं ना कि भाई हमारा तो मेन फ्रेमवर्क ये था कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे मुख्तलिफ कामों से कि हम ग्राउंड बेस्ड रियलिटी को समझाएं और लोगों को एक ऐसा देखिए यार एंड के अंदर पैसा दौलत माल फेम शोहरत के बाद ना इंसान को रूह की भूख होती है इंटेलेक्चुअलिज्म कि मुझे कोई ऐसा नुकता मिले और मैं उस पर पॉन्डर करूं और लोगों ने इसके लिए ना हिमालय कर दिए कि भाई आई नीड अ न्यू नुकता राइट ना। अब जैसे तुमने मुझे रिसेंटली एक बात की, तुमने तो फ्लो में कर दी, बट आई रियली फेल्ट दैट कि सूरह इखलास अगर अल्लाह का कमाल है उसके अंदर तो उसका जो वाइस वर्सा होगा वो इंसान का कमाल है। यानी अल्लाह अगर अहद है तो इंसान का कमाल, ये अल्लाह का कमाल है कि वो एक है, अल्लाह को जमात के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए सही नहीं है, वो अपने आप को कहता है कि मैं अकेला सफिशिएंट। लेकिन इंसान के अंदर ये सिफत के वो अकेला चले इंफरादियत ये नक्श है, ये नक्श है। बाकी दैट रियली टच्ड माय हार्ट, आई वाज शॉक के ये कहां से लेके आया ये वाला। तो मैंने मेरे काजे का पुट अप भी किया, उन्होंने भी मुझसे पूछा ये सरदार किसका, अब मैं मेरा नाम लेते थे मुझे हया ही आई कि लोग कहेंगे कि अल्लाह में टीम बिल्डिंग है पूरी, अल्लाह के नियाज है। तो मैं कहता हूँ कम से कम एक बंदा आलिम, कम से कम जो उलमा पूरे सोशल मीडिया पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप कम से कम एक आलिम हो जिस भी जहां से भी बिलोंग करता है वो उसकी अपनी जिस भी मसलक फिरके से, लेकिन एक अहले इल्म जो है जब वो बात कर रहे होते हैं आप कम से कम समझे तो सही वो क्या क्या है। तो सोसाइटी का एक ग्राफ उठाने के लिए एज अ नेशन वी शुड बी इंटेलेक्चुअली ग्रूम्ड एंड इंटेलेक्चुअली इन डेप्थ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम वो कुंडिया को शौक पैदा करें। और मेरे ख्याल से हम तो जिन स्कूलिंग हमने तो वो नई चीजें डाली गई ना वो शारदा का वो कमा, तो दिस वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। और हमने इसलिए हमारे ख्याल से सफा में हमारे साथ का सबसे मुश्किल टास्क किया कि इतने कम आवर्स के अंदर हम सब ने जो है वो बैसे खोलनी होती है, अगर हम बैस खोलेंगे उस तनाव फिर उसको कंट्रोल भी करना है, टाइम कम है इनकी। अब हम उस सवाल पर आते हैं ना कि हमने इसको आपने कंसाइज क्यों किया और आठ साल की क्या हैसियत है? असल में सफा प्रोग्राम जो है वो 2 साल पर मुश्तमिल है और हमने जो मदारिस के अंदर अस्बाक पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर से वो अहम अहम चीजें मजामीन जो कि रोजमर्रा जिंदगी में और एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर होनी जरूरी है, उस सिलेबस को ऐसे कंसाइज किया है बड़ा एक्सपेरिमेंट्स कर करके कि कम सिलेबस के साथ एक बड़ा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हम कर सके। तो उसको कंसाइज करने के अंदर चाहे वो उसूलुल फिक हो, अब उसूलुल फिक के अंदर कितनी किताबें हैं, 5-3 किताबें जो है मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, नॉर्मली हर मदरसे में हर सब्जेक्ट मुख्तलिफ मसलक के अंदर भी 3-4 किताबें पढ़ाई जाती है, 750-800 घंटे सूले पे है वो पढ़ाई जाती है। तो उसको हमने एक किताब की शक्ल में कि उन सबका निचोड़ जो है वो एक किताब की शक्ल में आ जाए और उसको बेहतरीन एग्जाम्पलीफिकेशन के साथ आज के दौर की एग्जाम्पलीफिकेशन के साथ बच्चों को अगर समझाया जाए तो वो समझ सकता है, कम से कम वो गेम का हिस्सा तो बने ना, टर्म्स तो आए ना उसको। ऐसे ही जो आपका मशहूर जुमला है कि भाई बाहर मुल्कों में या अंग्रेज के निजाम के अंदर 100% वाला भी जबरदस्त है, कहीं लगा देते 60% वाला भी कहीं लग जाएगा, 33% वाला भी कहीं लग जाएगा, वो भी लग जाएगा कहीं ना। तो अगर हम लेकिन हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ कोई 8 साल ना लगाए जो कि 100% है 100% हम तो कम से कम कोई ऐसा कोर्स ये कह लें कि जो 8 साल का दर्स निजामी पढ़ के उलमा तैयार होते हैं वो टॉप ऑफ 100% हो गए, वो टॉप ऑफ द लाइन ए स्टार हो गया, ए स्टार हो गया। अब उसके नीचे हर इंसान के पास एक इल्म की बेस तो होगी ना जहाँ पे हम क्वालिफाई करके कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फैन फरासत वाला आदमी ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एरा गहरा इसमें बात कर ले, मतलब एक लेवल होता है बात करने का, लेकिन उसके अंदर वो 60% पे होगा, कोई 70 पे होगा, कोई 50 पे होगा, तो सिस्टम में तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो सकता है ना, वो एक पूरी जनरल फिलोसफी को सब तो कर रहा है, उसको भी हमें केटर करना है ना। इस तरह जो हमारा पूरा काम जो बोझ हमने एक एक मदारिस की बेंच पे डाल दिया है, जितना वो स्प्रेड आउट होगा उसूलों प्रिंसिपल के साथ, बेढंगा ना हो कि किसी को कुछ पता नहीं है उसूल तफसीर क्या होता है वो तफसीर के अंदर मारना शुरू, ऐसे नहीं मैं कह रहा, उसूलों जवाब के साथ एक कम से कम ना भी हो
अगर वो उनका काम भी समझाने वाला बन जाए तो ही इज़ एन एजेंट ऑफ गुड, यानी कम से कम उसके पास इतना इल्म तो हो कि वो कनेक्ट कर सके। हाँ बिल्कुल, ऐसा ना हो कम्युनिकेशन गैप भी इतना बड़ा है। चल रहा हूँ ना कि उलमा और फुकहा और जो मुहद्दिसीन है वो चल जा रहे हैं इस लाइन पर, क्योंकि वो कुरान कहते हैं बल कज़्ज़ब कि आदमी उसका इनकार करते थे इसको समझ नहीं सकता, चीज को समझ नहीं पाता। जब आप उलमा की जो मेहनत है, जो उनकी कोशिश है, जो उनकी काविशात है, एक एक फतवे के अंदर जब तक आप उस मैकेनिज्म को समझ ही नहीं सकते, तो आप उनके रुतबे का, उनकी मंजिल का, उनके मकाम को, उनके मकाम के मुतरफ कैसे हो सकते हैं। तो ये पॉइंट था यहाँ पर। यहाँ पर लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूंगा उनका जवाब दूं। सबसे बड़ा इशू, अच्छा जी, सलाम, इफ अ वन गर्ल वांट टू स्टडी अबाउट इल्म ऑफ शरिया, इट्स अ बिग इशू। अच्छा चले जी, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं सफा के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बार बैच के अंदर 200 प्लस स्टूडेंट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो अब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। किसी का सवाल आ रहा है शेख आतिफ पढ़ाएंगे, जी बिल्कुल शेख आतिफ इसके अंदर जो है एक पूरा कोर्स जो है आपको हर हफ्ते का शेख आतिफ का लाइव आते मौका देंगे ना, कि कल को जो पढ़ रहे थे आज को पढ़ा रहे हैं ऐसे ही। अगर आपके पास, अगर आप मदारिस के सिस्टम में नहीं पढ़ा सकते मगर आपको एक सब्जेक्ट पे ग्रिप है और आपके पास सनद भी है उसको पढ़ाने की, आलन वसालन मरहबा, आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब अरसलान जो सफा को हेड कर रहा है, सफा भी पढ़ा हुआ, इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो यही पढ़ा, ठीक है, मशाइक से पढ़ा, उन लोगों से पढ़ा, जो भी पढ़ा वो उसने ग्रिप हासिल की है, वो आज पूरा सफा का एडमिन मैनेजमेंट चला रहा है। ये कितनी बड़ी शहादत है, तो नेकी कमाने का तो पूरे पूरे वो है ना उसके अंदर। तो अभी यू शुड कंटिन्यू, मुझे सवाल का थोड़ा सा रह गया कि रिपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना इसको पढ़ सकता है, आपने जवाब दिया, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड है हम उसको डिस्कस नहीं कर सकेंगे। वो क्या कि मतलब हम इसको क्यों, हमने जो है ना शाम की जो टाइमिंग्स है या एग्जीक्यूटिव टाइमिंग्स है उसमें क्यों नहीं, कैसे तक पहुंच सकते हमें, मेरे ख्याल से इस पर बात करनी चाहिए ताकि फिर आवाम के जो सवाल आते हैं ना वो अदील साहब जो है कैटर कर सकें कि हमने छोटा क्यों किया, ठीक है, हमने कंसाइज क्यों किया इसको, हमने पहले तो ये बताया हमने इसको कितने मॉडल्स में ट्राई किया 10 सालों में। पहली दफा जब एक कोर्स स्टार्ट हुआ असफा का, ये हफ्ते में 4 दिन हुआ करता था, 2-2 घंटे 8 घंटे हफ्ते के अंदर और तकरीबन 32 घंटे महीने के अंदर, और ये बन गए आपके 128 घंटे बन गए सेमेस्टर के अंदर। इससे पहले का मैं एक फेलियर डिस्कस करूंगा, एक सेकंड, मेरे ख्याल से वो फेलियर डिस्कस, हमारा कितने बैचेस हो गए सर? नहीं, 19 हमने, एक साथ में 2 ही टेक्स ले रहे हैं। जी जी जी, रमजान के बाद हम लॉन्च करते थे। अब उसमें क्या होता था कि फ्राइडे एक सेशन है, सैटरडे एक अलग सब्जेक्ट है, संडे, फ्राइडे के दिन जो है ना वो पूरा जन 17 लोग बैठे हुए, सैटरडे के दिन मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ 4 बंदा बैठा हुआ, ग्रामर हो रही है, और जो संडे का जो दिन है उसूल अभी 1 बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है। तो ये 3 साल का हमारा फेलियर था, बड़ा फेलियर जो मैं देख रहा हूँ। और ये एकेडमिक्स के साथ जो हमने आखिर ऐसा क्या मसला है कि एक में 70 बंदा पढ़ने आ रहा है क्लास के अंदर, दूसरे के अंदर जो है ना वो 5 बंदा बैठा हुआ है, संडे वाली क्लास के अंदर है ना 1 बंदा बैठा हुआ है, हालांकि सब्जेक्ट सारे जानदार कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसमें वो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। मतलब हमने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि पढ़ाने का तरीके का लहजा उसमें इंग्लिश का ब्लेंड क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से हम वी वुड नॉट क्लेम बट वी विल बी अमंग द पायनियर्स इन द सिटी जिन्होंने इसके अंदर मतलब इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ये हम जरूर इंग्लिश समझने वाला भी इसको समझता है, उर्दू समझने वाला लैंग्वेज तो हमने जो बनाया वो हर लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज इंग्लिश में भी होते हैं उर्दू में भी होते हैं। मुझे याद है एक क्लास में ऐसी पढ़ाई तफसील की जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए थे और उन्होंने पेपर जो है ना वो कंडक्ट किया, तो इंग्लिश में भी पेपर आया मेरे पास तफसीर का, उर्दू के अंदर भी आया और अरबी के अंदर भी आया, मैंने तो एक पेपर रोमन में भी देखा रोमन के अंदर ठीक है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास की जो एक जो लैंग्वेज बैरियर था हमारा, तो हमने लैंग्वेज बैरियर को जो है हमने क्रॉस किया और हमें इसमें कोई मसला इधर ही कोई बैकग्राउंड। तो एक साल जो वन ईयर लॉन्ग वाला कोर्स होता था कि एक साल तक एक ही चीज चलते रहेगी वो जो है इतना कामयाब नहीं हुआ। मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे बड़े बड़े फेलियर थे ना बाकी मोनोटनी हमने देखी, तो जहाँ सब्जेक्ट मोनोटोनस होगा बोरिंग हो जाएगा। सही लेंथ, दूसरी चीज हमने देखी लेंथ इतनी लंबी, हमें तो शौक था ना तो किताब जितनी लंबी हुई थी, मगर लोगों ने सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा मतलब जो डायनामिक था ना और ज्यादा इंटेंसिटी में डेप्थ था वो तो पसंद करते थे,
मगर उसी के बीच में अगर कोई ऐसी बहस आ जाती जो थोड़ी सी माइंड को माइंड बॉगलिंग नहीं थी, लोग बोल रहे थे, लोग छोड़ जाते। नंबर थ्री, उस्ताद में अगर दम नहीं है पढ़ाने का तो भी लोग भाग जाते थे। अभी तो हमारा दमदार उस्ताद है इंशाल्लाह। चौथा फिर एलिमेंट हमने ये चीज एक्सपीरियंस की थी कि टाइमिंग बड़े मसाइल थे, ठीक है। मतलब उसमें हम ये फील कर चुके थे कि एक पार्टी फ्राइडे वाली है वो सैटरडे को नहीं आ सकती, वो सैटरडे वाली है वो फ्राइडे को नहीं आ सकती, ये भी हमने इशू देख लिया। नंबर नाइन, हमने बुक्स की टेंशन बड़ी देख ली कि भाई बुक्स है अरबी में, सही, बड़ी किताबें जितनी भी हैं कालीन बनने की वो अक्सर अरबी में है, और जब तक उसकी इमारत नहीं खुली हुई उसे बगैर देर दबर पेश के अरबी पढ़नी नहीं आती, तो दैट इज अ बिग टेंशन अगले को वहां तक लाने के अंदर, सही। नंबर सिक्स, हमने ये भी प्रॉब्लम इसके अंदर देखी थी कि मतलब शरा में थे अमल की क्लास अपनी जगह पर, तो मुस्तैद है वही। हाँ, अभी आप किसी ने कॉल किए थे? हाँ, इसे वो करो खत्म करो। तो ये था, फिर उसके बाद जो है ग्रेफ के लिहाज से भी बड़ा इशू। अब मैंने छह बच्चे एक जगह पढ़ा है और स्पीड के अंदर फास्ट करके रखा, तो याद है मैंने 7-8 किताबें पढ़ाई थी जी हमारे यारों को, जी अच्छे यार थे हमारे उस टाइम के। तो वो क्या हुआ, वो टीम ने पिक की, दो ने पिक नहीं की, रिटेंशन का बड़ा इशू था कि भाई इतने छोटे टाइम पीरियड में आपने इतना बड़ा फलसफा खोलना है तो वो बैठेगा नहीं बैठे। फेलियर हम ये कितने 4 से 6 साल हमने फेलियर किया ये बात, फिर हम सफा की तरफ, फिर हम सफा की तरफ आए, एंड दैट इज व्हेन अदील भाई टुक द बोट, एंड जो उसका करिकुलम डिजाइनिंग थी वो फिर अदील ने फिर आगे अपने तरफ। तो हमने शुरू में जो है वो 4 दिन रखा ही, मंडे टू थर्सडे, उसके भी ये था मंडे वेडनेसडे को आ रहा है, ट्यूजडे थर्सडे वो नहीं आ पा रहा, 4 दिन कंसिस्टेंट आना क्लास के अंदर आफ्टर ईयर आफ्टर वर्क। उस दौर में जो थे उनको अल्लाह ताला जो ना उनको उनकी नेकियां कबूल करे, मुश्किल था ना, मुश्किल था वो अपना पूरा दिन। सुबह बंदा 9 बजे से निकला हुआ है काम पे और शाम 6 बजे फारिग हो रहा है, और उसको पता भी 8 से 10 उसकी जबरदस्त दर से नजर की क्लास होने वाली है, शेख आदर साहब खड़े भाई। अब जो है वो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, एक दिन भी गैप आएगा उसकी जो है ना वो रूटीन खराब होगी, उसमें वो कोर्स बोर्डम क्रिएट हो जाना या वो ग्रास्प भी नहीं कर सकेगा। तो हमने ये रखा है, एक तो इसको ऑनलाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया उसको 2 दिन पहले किया, ट्यूसडे थर्सडे के अंदर, ट्यूसडे थर्सडे को हमने किया, ट्यूसडे थर्सडे अपने सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर किया। अच्छा, उसमें जो है वो भी वीकडेज का मसला आया, फिर हमने एक दिन खाली वीकेंड संडे को सुबह 9 से 2 बजे तक का रखा, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी सक्सेसफुल, 1 day a week सफा 5 घंटे लगातार। हमारा का एक्सपेरिमेंट था, मेरे ख्याल से शहर का पुलिस के अंदर आए थे, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद ये कोरोना आ गया, वन डे अभी जो है उस पे बहुत से मेरे ख्याल से उलमा की भी रिजर्वेशन होगी, एक दिन में क्या कर रहे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमने उस हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। वो किसी ने मेरे ख्याल से पूछा है कि बुक्स अरबिक तो नहीं थी आपकी, जो बुक्स होंगी वो इंग्लिश में भी होंगी, उर्दू में भी होंगी और अरबिक टेक्स्ट के साथ होंगी, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसके अंदर होगा कॉन्टेंट इंशाल्लाह। आप अरबिक भी पढ़ाएंगे। सवाल क्या है, किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं लोग ज्वाइन? असफा कोर्स के हवाले से बात हो रही है, जो कि मिजार का प्रीमियम कोर्स है ऑन शरिया एकेडमिक्स, जिसमें एक आलिम जो है वो किस करिकुलम से गुजरता है, उस करिकुलम से जो है यहाँ पर इंसान को गुजारा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया संडे कोर्स के बाद, तो हमने फिर पूरी दुनिया के लिए इस कोर्स को खोल दिया कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, वो कहते हैं ना आसान तकरीबन, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हमें पहले दुनिया क्या ऑनलाइन हम भी ऑनलाइन जाते थे, हम कहते थे हम यही खुश हैं, हम यही खुश हैं, बल्कि लाहौर में इस्लामाबाद में तो हमें बहुत ज्यादा डिमांड थी कि आप इंस्टीट्यूट वहां भी खोले, बाकी इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनाने वाले इंशाल्लाह। लेकिन फिर उसके बाद कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन किया, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स ने इसके अंदर एनरोल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग जो है मद्रास रूट से ये वाला कोर्स कर चुके हैं, कुछ अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे लाइव भी होंगे, अगर वो रेकमेंड करना चाहें तो उनके कमेंट्स में जरूर सुनना चाहूंगा कि उनको ये वाला कोर्स कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ गुड वेरी गुड फीडबैक, लोगों को अरबी भी समझ आई, लोगों ने कुरान का वो फ्लेवर भी चखा, स्पिरिचुअलिटी भी देखी, कुरान के टेक्निकल मसाइल के हल भी देखे,
अहदीस की हुज्जत और उसकी अथॉरिटी और उससे उसके उससे मुतालिक जो है लोगों को जो रिजर्वेशन है उसके हवाले से भी लोगों को आगाह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों ने और सवाल किया है कि जी फिका कौन सी होगी, क्या जो है अगर कि दूसरे मसलक से हूँ। देखिए जी, ये उससे आगे की बातें हैं, सारी उससे आगे की बातें हैं। अगर हम उसी में फंसे रह गए, असल में जो एकेडमिक्स होती है ना, जो इल्म होता है वो इंसान का सीना खोलता है। अफमन शराहुल्लाह सदरहु लिलइस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन, अल्लाह जिसका सीना खोल देता है ना तो उन पेचीदगियों से निकल जाता है। तो ये आप एकेडमिक्स की तरफ जब आएंगे, जब इल्म की तरफ आएंगे ना, तो इल्म इतनी वुसअत देगा आपके सीने के अंदर कि आप दूसरे इख्तलाफ करने वाले के सामने भी हम्बल रह सकते हैं, ह्यूमिलिटी दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर ही बात होगी, तो कोई मसले की बात नहीं है। फ्रॉम वट एवर मसलक यू बिलोंग टू, इंशाल्लाह हमारे पास अभी भी जितने मसाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट मसलक के लोग जो है हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, आप उनसे जो है वो इंशाल्लाह मिद्रार इंस्टीट्यूट के फैकल्टी के हवाले से और कोर्स के हवाले से फीडबैक ले सकते हैं। और फिक की जो हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा रही है पढ़ाने की, हम कंपैरेटिव पढ़ाते हैं, जब हम सारे फिका पढ़ाते हैं उसके बाद एक इंसान जो इख्तियार होता है कोई इसमें जबर और इकरार नहीं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो सबसे बड़ी बात ये कि वो उस लीग के अंदर तो आए क्योंकि पता चले कि अहले इल्म कर क्या है, उसके पीछे उसूल क्या होते हैं, क्या होता है, मसले मसला क्या होता है, मसला क्या होता है, मुजमल क्या होता है, मोकम क्या होता है, हुक्म क्या होता है। वी डोंट वांट, वी हम लेके जा सकते हैं गहरे पानी के अंदर, बट एटलीस्ट एट दिस टाइम हमारे लोगों को ये तो पता चले ना कि शरिया के पीछे मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि फिर उसमें जो इख्तलाफी मसाइल है वो देखे जा सके। दैट्स वी कैन डिस्कस देम ऑन अ वेरी गुड नोट। बाकी हम किसी लाइक रहा तो दीन के तो कोई कंपल्शन थोड़ी है कि हम किसी पे थोप देंगे अपना, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अब जो ये कह रहे हैं ना कि दीन डिलीवर नहीं कर सकता ना, तो मिला मिला इसका तो जवाब हम दे देंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल ग्राउंड इन केटरिंग ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज आई वुड से। तो कुछ लोग सर्टिफिकेट्स का पूछ रहे हैं, देखिए सर्टिफिकेट इसमें जो है वो मिद्रार इंस्टीट्यूट का ही दिया जाता है जिसमें जो है वो शेख आतिफ की तरफ से एंडोर्समेंट होती है। तो इंशाल्लाह फीलिंग ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ सफा प्रोग्राम अब्दुल वहीद शेख, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक। ऊपर भी अल्लाह ताला आप सबको जी कायम और दायम रखे, अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे, अपने असातिज़ा को जरूर दुआ में याद रखा करें। और सर आतिफ, विच बुक यू विल रिकमेंड फॉर उसूल फिका और उसूल हदीस? इंशाल्लाह जॉइन सफा यू विल गेट टू नो द रेफरेंस बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एक सवाल है, ये बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी? यस, बुक सारा कोर्स मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स, इंशाल्लाह दे विल बी आंसर्ड। और अगर शेख साहब से कोई खसूसी सवाल हो इस कोर्स के हवाले से, इल्मी सफर के हवाले से, दीन के इल्म के हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस जो है पोस्ट करें। आई विल आस्क द शेख। नहीं, लेकिन आजकल के जनरल कितने बड़े बड़े मसले चल रहे हैं, इज देयर अ गॉड और नॉट? यस, फितरत के अंदर है कि इंसान को एक ग्राम चाहिए वगैरह, मगर उसको एक एकेडमिक ग्राउंड के अंदर आप कितना कर सकते हैं? हम ये जो मुद्दा ना कि लोग कहते हैं कि आप लोग रिलीजियस लोग ना वो रेगुलेट नहीं करते, रिलेट नहीं करते, रैशनल बात नहीं करते, हमने कोर्स बनाया है इसलिए कि हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स टॉक ऑन द ग्राउंड कि कुरान के अंदर वो हुसन दिखाते हैं ना थोड़ा इनका शौक पैदा करने के लिए, किसी भी कंपनी को, इदारे को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी घर को, या किसी भी दुकानदार को, अगर किसी को हायर करना, किसी को नौकरी पे रखना, आपके पास कुरान से कोई सोल्यूशन है शेख अजीम साहब? बिल्कुल है, प्लीज शेयर टू द पब्लिक। तो बताएंगे कुरान में रिक्रूटमेंट कुरान में कहीं हायरिंग का, हायरिंग से मतलब ये कि अगर किसी को नौकरी पे रखना हो तो क्या कुरान उसके ऊपर कोई सलूशन प्रोवाइड करता है? शरिया है, वो शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और उनकी जो दो बेटियां थी, उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा था, इन्ना खैरा मन इस्तजरता अल कवीयुल अमीन, अल्लाह हमारे बाप आप इनको हायर कर लें, इनको उजरत पे रख लें, बेशक जिसको आप उजरत पे रख सकते हैं उसमें सबसे बेहतर वो है जो कभी भी हो और अमीन भी हो, अमानत भी हो और अमानत दो प्रिंसिपल हो। अब तो अब इसको खोलेंगे किस तरह, वो हम मैं चाहूंगा शेख साहब उस पर नजर नजर डालें थोड़ी सी। नहीं देखिए, कुव्वत और अमानत क्यों कहा? शरीयत की एक क्लास ये है कि शरीयत ना कहीं पे दो उसूल दे देगी, सही,
उसकी जो जुजियात और जो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी उसमें फिर बहुत डिटेल है। यहाँ दो मैक्रो स्कोर सही, एक है कुवा, ठीक है, ताकत, ताकत, ताकत अब स्किल, ताकत, ताकत वो सब्जेक्टिव है, जिस्मानी हो, रूहानी हो, स्किल स्किल भी आ गया, ठीक है, स्किल कुवा में गया। दूसरा है अमानत, लॉयल्टी, लॉयल्टी, वफा, पेशेंस, सबर, सबर, और सबसे बड़ी बात है अपने हुनर की हिफाजत कर सकता है। दिस इज माय पॉइंट, हुनर सबके पास होता है, हुनर को संभाल के एक्सीलेंस बचाने तक की इस पे हिम्मत है अपने लिए भी और किसी और का हुनर प्रोटेक्ट कर सकता है। कितने उसूल निकलेंगे अब इसमें, किसी जगह पर एक बंदा कभी होगा अमीन नहीं होगा ऐसे के, ठीक है, अमानत अमीन, ओके, यानी यानी वो कॉम्पिटेंट होगा लेकिन जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं, ट्रस्टवर्दी होगा। अब इसके साथ कितना गुजारा करना ठीक है, अगर आपने हायर करना है, कुरान से बात हो रही है, हाँ, कुरान से, हाँ, इसका कोई वेस्टर्न कोई काम नहीं। अच्छा, कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होंगे मगर उनके पास वो स्ट्रेंथ के लिए होंगे कि स्किल ही नहीं होगा कि अपनी उस सच्चाई के साथ इंपैक्ट क्रिएट कर सके। चलिए इनके बारे में क्या कहती, सबसे टॉप नॉच तो वो हो गया जिसमें कुव्वत भी है और अमानत भी है, और चार प्रॉपर्टीज जिनके पास दोनों ही टॉप की, ऐसा बड़ा काम होता है। ये तो बड़ी बड़े लीडर होंगे, ये तो बड़े लीडर होंगे, वो जॉब करने क्यों आएगा आपके, लीडर होगा ऐसे ही। सर कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? जी अरबी, हमारा जितना भी उलूम है, जितने भी पीछे किताबें आपको दिख रही हैं, ये सब अरबी में है। अगर आप दीन का इल्म जो है सीखना चाहते हैं, अरबी उसके लिए जो है वो प्रीरिक्विजिट है, तो अरबी इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट के हवाले से। तो हम ये बता दें कि सबसे जो यंगेस्ट स्टूडेंट और सबसे, हमारे पास एक स्टूडेंट था 14 साल का जी, क्योंकि हम कहते हैं एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो बंदा जो चीजों को समझ सकता है वो जो है वो स्पोर्ट्स को ले सकता है। मैट्रिक किया हुआ हो, क्लास 9-10 के बच्चे, लेकिन जो है हमारे पास 64-65 इयर्स के भी मदरसे के अंदर तो जब छोटा बच्चा आता है ना तो माशाल्लाह वहां तो हम सेट कर देते हैं। उम्र कच्ची होती है, उम्र छोटा होता है, रट्टे लगाने में फिर करने में आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से माय पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी सी मैच्योर मतलब इंटर तक हो, 17-18 साल का बंदा, 17-16 का बीच का हो तो आई थिंक ही कैन हैव अ गुड, ही कैन एंजॉय द कोर्स अ लॉट मच। यस, अच्छा जी, तो हमारे और एज जो है 64-65 के लोग भी हमारे पास, हमारे साथ वो सोमरा साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह पूरा फोर्थ कुदवा तक किया, पूरा चार उसके आगे वाले भी कोर्स किए हैं जो मेरे ख्याल से। आई थिंक एज इज नॉट अ लिमिट। What about other country students? हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट हैं, ओमान से हैं, सऊदीया से हैं, आयरलैंड से हैं, इटली से हैं, स्पेन से हैं, तकरीबन बहुत सारे मुल्कों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट हैं, टर्की से हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम एनी वेयर यू वॉन्ट टू। एंड इशू एंड भाई जो इशूज है वो मैनेजमेंट इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैं इसके ऊपर एक सवाल उठाता हूँ, जो फीडबैक सनी असलम, ये तो हमारे काफी पुराने दोस्त है, सर असफा में उसूल तफसीर भी होगी जी, डेफिनेटली असफा में उसूल तफसीर भी होगी, समर कोर्स में आती है उसूल तफसीर और उलूमुल कुरान। अच्छा जी, अच्छा मेरा इस पे एक सवाल ये है कि देखिए जब हम भी दुनिया की कोई कंटेम्प्रेरी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके पास ना पूरा 4 साल का पूरा प्लान और आगे क्या होगा और कहाँ पर आप लगेंगे वो काउंट, फॉर एग्जाम्पल या पीसी के अंदर भी आती है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लोग आते हैं, सब बताते हैं कि जी आप यहाँ हैं, आपकी जॉब कहाँ लगी, आपकी जॉब कहाँ लगेगी, आपके इस कोर्स के अंदर स्कोप क्या है इन लोगों का, व्हाट इज द स्कोप फॉर पीपल, जो ठीक है आप आवाज अच्छी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, टेक्निकलिटी है, ये तो आपका बातें बड़ी अच्छी हैं बोलने की, कोई स्कोप है इसका, मतलब के किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका स्कोप है आपका रिफा? देखिए असल में इसकी बात ये है कि लोग ना बड़ी तनकीद करते हैं कि जी मदारिस के अंदर आपने 8 साल जो है बच्चे को अपने पास रखा और उसके पास जब उसकी नौकरी का वक्त आता है उसके पास क्या 15-18 हजार की नौकरी भी उसको जो है आसानी से नहीं मिलती, कितने लोग मस्जिद के इमाम बन जाएंगे, कितने लोगों को पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। देखिये वो सवाल अलग है, जो हमारा मॉडल है एजुकेशन का वो ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई दुनिया छोड़ दो,
मैं आपसे ये नहीं कह रहा बिजनेस छोड़ देना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा अपना करियर सैक्रिफाइस कर दो। पहली बार ये भी नहीं कह रहा कि बीवी भी छोड़ दो। हाँ, तो पहली बार, पहली बात ये है, एथिकली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब। मैंने तो लेजर टाइम लिया है, जो मैं लोगों को बार बार कहता हूँ ना, आई एम आस्किंग ओनली लेजर टाइम। जो तुम सैर सपाटों के अंदर चाय पे बैठ के और गली मोहल्लों के अंदर घूम के आवारा गंदे करके जाया करते हो, खाली वो टाइम मांग रहा हूं। मैंने तुम्हारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं छेड़ कि तुम मुझसे पूरा करियर तरह का सवाल करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और कुरान और उसका दिया गया इल्म बड़ा है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत और रुतबा बड़ा है, तो उसके मुताबिक इंसान को ये हर उस फील्ड में काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर है, शेखनाथ ने बात की कि अगर आप जो फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छी पोस्ट में फाइनेंस की, मैं गारंटी देता हूं इस कोर्स करने के बाद आपको उस फाइनेंस की फील्ड के अंदर भी, आपको ऑडिट की फील्ड के अंदर भी ये कुरान और सुन्नत रहनुमाई करेगी। खाली ये नहीं कि हलाल आराम, बल्कि हमने हमेशा देखा जब दीन की बात होती है ना, बिजनेस से ताल्लुक है करियर, तो हम कहते हैं ये दीन की बात करोगे ना चीजें कट डाउन हो जाएंगी, यानी अपॉर्चुनिटीज कट डाउन हो जाएंगी, हर चीज हराम हो जाएगी, मेरे ऑप्शंस कम हो जाएंगे दीन की बात करोगे, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा दीन की बात करोगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हम असफा के थ्रू आपको इस बात पे बात आपको इंशाल्लाह मनवाएंगे कि दीन आपकी जिंदगी आसान कर सकता है, आपके बिजनेस को ग्रो करा सकता है, आपकी टीम को मजीद एफिशिएंट बना सकता है, आपके ऑडिट को मजीद एफिशिएंट बना सकता है, व्हिच एवर फील्ड यू बिलोंग टू, ये दीन आपकी उसमें मदद करेगा। ना सिर्फ ये कि आपको आखिरत के अंदर अच्छी मंजिल तक लेके जाएगा, बल्कि दुनिया के अंदर भी। वो कौन सी आयत है, फलानहु हयातन तय्यिबा, जो भी नेक अमल करेगा, जो भी नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसको दुनिया भी अच्छी देगा। तो इस दीन के जरिए दुनिया किस तरह अच्छी हो सकती है, वो भी इंशाल्लाह आपको उसूल पढ़ेंगे, आप कुरान हदीस पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे रियल टाइम ऐसे फीडबैक है लोगों के कि जिनके पहले बिजनेस नहीं चलते थे, जॉब नहीं होती थी, दुनिया के वहां पे एक बंदे ने सफा की दो तीन क्लासे ली हुई है, कोर्स पढ़ा हुआ, जब वो बात करेगा ना तो मैं ही गारंटी दे रहा हूँ उसकी बात में और एक आम आदमी के बात में फर्क, उसके वो माइंड के एवेन्यूज खुले होंगे, वो गेट्स खुले होंगे, वो बैरियर्स हटे हुए होंगे, दूसरों के नहीं होंगे। नहीं, कम से कम आप फॉर एग्जांपल अब आपने किसमें किया हुआ है बैचलर्स, मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग में किया, आप किसी भी मार्केटिंग की फर्म में जाकर कोई जार्गन्स तो आने चाहिए उससे। अब आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जा रहे हो, जार्गन्स तो आने चाहिए। आप गाड़ी जो है वो बनवाने जा रहे हैं किसी के पास, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हर वक्त होता है, ये स्टॉक टायर मुझे बात ही नहीं समझ, जैसे दो तीन दफा आसान ने कहा ये स्टॉक टायर है, मैं बारे में स्टॉक टायर क्या होता है, वो जो गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कम से कम बैठ के जितनी भी दुनिया के माहरीन बैठ के दीन पर कलाम कर रहे थे, आपको जार्गन ही नहीं पता जब कि ज़ईफ हदीस क्या होती है, शाज क्या होती है, मुरसल क्या होता है, मोकम क्या होता है, नस क्या होती है, बयान क्या होता है, और आप इसके अंदर ऐसे घुस जाते हैं जैसे हर कोई घोड़े लेके घुस जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि कम से कम वो जार्गन तो आने चाहिए ना, कि आप उलमा की महफिल में बैठ के क्वालिफाई तो करवाए ना अपने आप को कि जी यस आई बिलोंग टू द फील्ड, सही है। तो इस तरह करते कराते। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, बितूली जमाने की जरा शरा करने वकील साहब, मैं आपसे कहूंगा बितूली जमाने को जरा समझाते हैं। असल में हमारे जो कॉन्सेप्ट है कि जो 8 ईयर एजुकेशन जो मदरसे की, उसके अंदर भी मतलब समझते हैं कि जिसने 8 साल पढ़ लिया अब वो मुकम्मल आलिम दीन बन गया, हालांकि मदारिस में जाके जब हम बैठते हैं और स्कॉलरशिप बेंच से जब हम डिस्कस करते हैं तो वो तो कहते हैं कि 8 साल पढ़ने के बाद भी अभी मेरे ख्याल में 80 साल और है, चाबी मिल गई, उस चाबी मिली अभी 8 साल के बाद उसको सिर्फ अपनी जहालत का इल्म होता है कि अभी क्या हुआ है। कहते ना पहली क्लास में जब हम जाते हैं ना तो मुफ्ती आजम होते हैं, शेख उल इस्लाम होते हैं, दूसरी क्लास में मुफ्ती आजम होते हैं, तीसरी क्लास में हम आम मुफ्ती बनते हैं, चौथे में शेख बनते हैं, पांचवे में आलिम दीन बनते हैं, छठे में जो है हम जो है वो तालिब इल्म बनते हैं, और सातवें आठवें मेरा बिल्कुल जायज हो जाता है। अंदाजा आ जाता है कि भाई कुछ नहीं आता, और ये उनका कमाल है, और ये उनका कमाल है कि वो सिखाता है, जितना जितना दरख्त पे फल लगते जाते हैं उतना वो झुक जाता है।
यही जो है वो ये सिखाता है कि मुझे क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, ये भी सिखाता है कि मुझे क्या सीखना है, क्या सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से आज के लिए काफी था। मेरे ख्याल से we'll be back with more webinars इंशाल्लाह। 4 दिसंबर से हमारे वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट राइट आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू सून इंशाल्लाह। इस कोर्स की फीस के हवाले से कोई मसला हो, मैनेजमेंट इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो हर किस्म की इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन में रहेगी। फहद नासिर ने बड़ा लंबा कॉमेंट किया, मैं चाहूंगा पढ़ू। दिस कोर्स इज एडेड microscopic lens to understand Islam and open my mind. I am glad to join this course, even though it is difficult being at work and with family. I am glad recordings are shared. If you miss any class, alhamdulillah, may Allah bless and Madrar Institute members who are working, alhamdulillah. Jazakallah khair ji. Jazakallah khair. Aap logo ka word of mouth bahut maine rakhta hai, kyunki is daur ke andar jab religious education ki baat hoti hai, log bada usko impractical samajhte hain, टाइम का जाया समझते हैं, या फिर समझते हैं मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए बना है, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियां शेयर करके कम से कम लोगों को तसल्लियां दे रहे हैं, लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि भाई मैंने भी किया है, तुम भी कर सकते हो। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, मैं यशवा शफात हसन ये कुल लो नसीब हूं, मतलब जो इंसान किसी दूसरे की अच्छी सिफारिश करता है रिकमेंड करता है उसको भी सवाब मिलता है, तो उसको भी उसका सारा पढ़ने का सवाब मिलता है। तो अगर आप अपना फीडबैक शेयर कर रहे हैं और रियल टाइम फीडबैक शेयर कर रहे हैं तो आपके लिए सदका जारी है। इंसान से बात हो रही है, दूसरी बात हम तुमको पढ़ने अगर हम पढ़ा भी है इसीलिए कि हमारा भी सदका जारी है, सदका जारी है कि हम भी चाहते हैं कि भाई के लोग हमसे वो इल्म ले लें जो हमने हासिल किया, ताकि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन बोले खुद तो सीख गया और दूसरे को नहीं सिखाया, तो बस कम ये बोल सके अल्लाह बेहतर तरीके से उनकी कन्वीनियंस में, उनके टाइमिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स के साथ, इंग्लिश में मैनुअल्स के साथ, अच्छे तरीके से, पूरे ब्रांड के साथ, शेख साहब की तदरीस के साथ हमने कोर्स लोगों को दिया और लोगों ने उसको ज्वाइन किया। अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो लेम एक्सक्यूजेस थे ना दीन के, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव हुज्जत कायम करें, लोग ये कहते थे ना ये मसले मसले बताए आप ज्वाइन कर, आप क्यों नहीं सुन रहे, आप आके सुने, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, आपकी लैंग्वेज में, आपकी कन्वीनियंस में, आपकी टाइमिंग पर, आपके स्टाइल में, आपकी वर्डोलॉजी के अंदर, आपके आपके जार्गन के अंदर बात हो रही है, आप भी नहीं सुन रहे। आपने कहते ना मौलिक मेरी बात नहीं समझ सकते, एक्सपोजर नहीं उनकी बात, भाई सारी सारी चीजों का एक्सपोजर है। आप बात करें इंशाल्लाह, तो कोई मसला हो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट आवर मैनेजमेंट आर इंशाल्लाह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स विल इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट विद यू, विल कन्विंस यू टू ज्वाइन दिस कोर्स। जो भी मसला हो इंशाल्लाह वी विल बैक विद अदर वेबिनार नेक्स्ट वीकेंड अंटिल देन जज़ाकअल्लाह खैर। हम शेख साहब को इजाजत देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया, उस्ताद जो कि आपने अपना टाइम दिया, जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।